नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1, जिसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। अभी बच्चों, लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, सजीव सृष्टि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड, मतलब सजीव सृष्टि। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब बोलते हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता। देखो, हमारे अर्थ पे जितने भी जीव होते हैं, उन सभी में विविधताएं पाई जाती हैं। मतलब वे सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हर एक की पत्तियां अलग अलग होती हैं, है ना। किसी की पत्तियां लंबी होती हैं तो किसी की गोल होती हैं, है कि नहीं। फिर उनके जो रूट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, स्टम में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी स्पेसिस के प्राणी हैं, उन सब में क्या पाई जाती हैं, विविधताएँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अभी अभी मैंने आपको बोला कि अर्थ पे जितने भी प्राणी हैं, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी में विविधताएं पाई जाती हैं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 2011 सेंसस के अनुसार अगर देखा जाए तो अराउंड 87 मिलियन स्पेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पर 87 मिलियन स्पेसिस, मतलब प्रजाति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लैंड और सी को इंक्लूड करके यहाँ पे बताया गया है कि 87 मिलियन प्रजाति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, और देखो, इनको स्टडी करने के लिए, मतलब इतने सारे जीव हैं तो अगर हमें उनको स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए क्या किया गया, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। मतलब इसी वजह से ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर इतने सारे जीव हैं, ठीक है, इतने सारे स्पेसिस के जीव हैं, तो अगर हमें उनकी स्टडी करनी है तो हमें उनको ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इंटू ग्रुप्स। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अराउंड अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसकी वजह से क्या किया गया, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में मतलब डिवाइड किया गया, उनकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज को मान करके, मतलब उसको कंसिडर करके। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, उनको डिवाइड करने का ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक इकोलॉजिस्ट की, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, 1969 में ही डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। मतलब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और उनके इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसके आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था, वो देखो यहाँ पर। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो, एंड यूकैरियोटिक मतलब क्या, जिस सेल का न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप्ड हो। ओके, फिर सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है। एंड नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खुद से खाना बनाता है, या फिर वो दूसरों का खाना खाता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज लाइफ स्टाइल, एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप्स हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया, यूकैरियोट्स भी बताया, है ना। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, जिस सेल का न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप ना हो, मतलब पूरा अच्छे से डेवलप ना हो, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो
इसके आगे क्या आता है, यूनिसेलुलर, मतलब इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब जिसका बस एक ही सेल होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिका, इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक कोशिका, मतलब जिनमें बस एक ही सेल हो, ठीक है। अभी इनका किंगडम क्या है, मोनेरा, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के भी दो, यूकैरियोट्स के क्या हैं, दो पार्ट्स है, देखो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें, इस यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं एंड यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो यूनिसेलुलर का जो किंगडम है वो क्या है, प्रोटिस्टा, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मोनेरा की बात है तो प्रोकैरियोट्स है ना, यूनिसेलुलर तो है बट दिस इज अ प्रोकैरियोट्स, ओके। अगर प्रोटिस्टा किंगडम की बात आए देन यूकैरियोट्स, ओके। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, तो देखो इनका किंगडम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, एनिमिलिया भी बोलते हैं, प्लांटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, ओके। तो देखो यहाँ पे किंगडम वन मोनेरा, अभी मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आप कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल में कराएंगे तो आपको और भी ये चैप्टर जो है ना ये आपको समझ में आएगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं अगर आप इनको करते हो देन आपको सारी चीज़ें एक एक करके एकदम अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ओके। तो चलो मैं आपको एक्टिविटी बता देती हूँ क्या करना है, वैसे जब आपके स्कूल में कराएंगे तो आप देख लीजिएगा, अभी तो फिलहाल के लिए आप बस पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डिल्यूट इट विद अ लिटिल वाटर, केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट डिड यू सी। देखो यहाँ पर क्या बोला है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ग्लास का स्लाइड लेना है, ठीक है। ग्लास का स्लाइड होता है ना कांच का, ओके, उसे आपको मतलब स्लाइड लेना है और उस पर आपको क्या करना है, दही का या फिर जो बटर मिल्क होता है मतलब छाछ जिसको बोलते हैं उसका मतलब थोड़ा सा ड्रॉप लेना है, थोड़ी सी बूंद उसके ऊपर क्या करो डालो और फिर उसको क्या करो थोड़ा सा पानी डाल करके एकदम अच्छे से उसको मिला दो, ओके। और फिर आप क्या करो, एक कवर स्लिप आता है, कवर स्लिप क्या करते हैं, अगर आप उस ग्लास के जो ग्लास का स्लाइड है अगर आप उसके ऊपर लगा दोगे ना तो वो हिलने डुलने वाला नहीं है, वो उधरी क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब उधरी वो रहेगा, वो वहाँ से हिले डुलेगा नहीं। फिर आपको, तो आपको क्या करना है, उसी के ऊपर मतलब जो आपने दही का या फिर बटर मिल्क का जो बूंद डाली है और जिसको मिलाया है उसे आप क्या करो, उसके ऊपर से कवर स्लिप लगा दो, ओके। और फिर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप स्कोप से उसको देखना है, आप क्या देख पाओगे, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ आप क्या देख पाओगे, क्योंकि अभी तक आपने वो एक्टिविटी की नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि आप क्या देख पाएंगे। चलो यहाँ पर देखो आगे दिया है, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबिसिलाई, ओके, बैक्टीरिया। देखो आपको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे मतलब रॉड के जैसे ना माइक्रोब्स एकदम छोटे छोटे जो क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो ये क्या है, आपके बैक्टीरिया हैं, ओके स्टूडेंट्स। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। अभी किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सभी किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में। एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं ना वो भी इसी के अंदर आते हैं, मतलब इसी किंगडम में आते हैं, जिसका नाम क्या है, मोनेरा। तो ये जो बैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं मतलब ये एक्टिविटी करने के बाद, तो वो किस में आएगा, मोनेरा में आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा की ही बात कर रहे हैं ना बच्चों, ओके। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब ये जो मोनेरा है इसके कैरेक्टरिस्टिक, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सो द फर्स्ट वन इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, मतलब इसमें क्या होता है, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था, देखो मोनेरा और इसके ऊपर क्या था, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल से, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वे सभी क्या होंगे, यूनिसेलुलर, अगर वो मोनेरा के अंदर है देन वो यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। फिर सेकेंड, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, वो जीव जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या, वो जीव जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल
ऑर्गेनल्स, और ये सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, मतलब इनका जो सेल होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये तो बात हो गई किसकी, मोनेरा की। सो आई होप कि आपको ये मोनेरा समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किंगडम टू, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ओके, तो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखो आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर कोई पॉन्ड रहेगा, मतलब कोई समझो पानी कई दिनों से जहाँ पे इकट्ठा है ना, जहाँ पे काई जैसी लग गई होगी, समझ में आ रहा है आपको, जैसे तालाब वगैरह, तो वहाँ से आपको पानी लेना है और फिर क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है, मतलब उसका ड्रॉप, पूरा पानी नहीं, एक बूंद उसके ऊपर रखना है। ओके, ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विद इरेगुलर शेप, दीज आर अमीबा। तो जब आप उस पानी को रखोगे, वो जो पानी रहेगा, मतलब उसका वन ड्रॉप उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखोगे, उसे आप क्या करो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, तब आप क्या देखोगे कि कुछ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स कैसे होंगे, जो हिलते डुलते होंगे, और उनका जो शेप होगा ना वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज होते रहेंगे, मतलब उनका शेप क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो ये सभी क्या है, अमीबा, जो किस किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा के किंगडम में आते हैं। ओके बच्चों, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब इनकी विशेषताएँ कौन कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। देखो जो प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वे सभी क्या होंगे, सिंगल सेल वाले होंगे, समझ में आ रहा है आपको, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो हमने जो मोनेरा में देखा ये भी सिंगल सेल वाले ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं, बट इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन अगर हम वहीं हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा है आपको। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो समझो जैसे ये आपका सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर। ओके, अभी इसके ऊपर ना एक परत जैसा होता है, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इनमें प्रेजेंट होता है, किसमें, अगर हम प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बट अगर हम मोनेरा की बात करें तो उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है जो मोनेरा के किंगडम में आते हैं। ओके, फिर दे हैव अ सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलाए और वीप लाइक फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन। देखो स्टूडेंट्स इनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया, मतलब जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, फीडिंग वगैरह कर पाते हैं, ठीक है, खाने और फिर वो उसको बाहर निकाले, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, फिर हेयर लाइक सिलाए होता है। हेयर लाइक सिलाए मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे ये आपको पैरामीशियम दिखाई दे रहा है तो इसके आजू बाजू देखोगे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, अभी इस फिगर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे इसी की बात की गई है, समझ में आ रहा है आपको। और इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है जो इनको लोकोमोशन मतलब क्या, इनको चलने में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, समझ लो एक तरह से तैरने के काम आता है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम थर्ड की बात करें तो इनके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं एंड क्लो और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफ्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं एंड हेटरोट्रॉफ्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इधर हम बात करें तो अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सेकेंड जो किंगडम था प्रोटिस्टा ये भी कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको बता दूं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स आप एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम उसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फिर किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इसलिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दो तीन तो आपको आने ही चाहिए। अब हम बात करेंगे किंगडम थ्री, जिसका नाम है फंगी। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी करना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज़ करते हो देन आप वो एकदम रियल में करके देखते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, तो आप इसको भूलते नहीं हो। अगर आपने बस इसे पढ़ के छोड़ दिया तो आप चांसेस है कि भूल सकते हो, लेकिन अगर आप एक्टिविटी करते हो देन भूलने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो आपने एक्चुअल में किया है,
समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाली जो एक्टिविटी है इसको तो आप खुद से घर पे भी कर सकते हैं, और कई बार आपने ये किया भी होगा, मतलब किया नहीं होगा लेकिन अनजाने में आपसे हुआ होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखो, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लिड फॉर 2-3 डेज। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ब्रेड जो होता है ना उसका थोड़ा मॉइस्चर वाला टुकड़ा लेना है, समझ में आ रहा है, मतलब एकदम सूखा नहीं, जो थोड़ा क्या हो, गीला हो, ठीक है। या फिर आप भाकरी ले लो, लेकिन ब्रेड का लोगे तो मतलब अच्छा है। उसे आपको क्या करना है, एक कंटेनर में रखना है और फिर ना उसके ऊपर से ढक्कन लगा देना है, 2-3 दिनों के लिए उसको रखना है। आफ्टर 2-3 डेज अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेड। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो देखो बच्चों, अगर आप उसको 2-3 दिन के बाद जब देखोगे तो क्या होगा, उसके सरफेस पे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कॉटन जैसे रुई होती है ना, उसी तरह से क्या बन गया होगा, मतलब उस पर कुछ तो जमा हो गया होगा, ठीक है, उसके सरफेस पर। अब आप क्या करो, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करो, ऑब्जर्व करो, तो आपको क्या दिखाई देंगे, फंगी। ओके बच्चों, आप ये करके देख सकते हो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ इसको करिए, ब्रेड को गीला करिए, फिर उसको एक कंटेनर में ढक कर के रखिए, और फिर 2-3 दिन के बाद देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि उसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, समझना है, याद करके रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज़, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगी, ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब क्या हुआ इसका, ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होते, ग्रीन नहीं होते इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते, इट मीन्स ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, मतलब अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। और ये किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, ये तो हमको पता ही है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ्स, और इनमें से मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डेड या फिर सड़े गले जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, वहाँ से ये अपना खाना क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, मतलब वहाँ से अपना खाना ये लेते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, और जो इनका सेल वॉल होता है ये टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर का क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखो फोर्थ क्या है, सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। देखो कुछ फंगी कैसे होते हैं, थ्रेड के जैसा होते हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड एग्जाम्पल्स इनके देखो, बेकर्स ईस्ट, देखो जो बेकरी वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर उनको पाव वगैरह बनाना होता है तो वो क्या कर डालते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं। ओके, तो ईस्ट भी एक तरह से क्या है, फंगी है। फिर एस्परगिलस, फिर पेनिसिलियम, मशरूम्स, तो ये सभी क्या है, फंगी के एग्जाम्पल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा किसका, किंगडम 3, जिसका नाम है फंगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के इस वीडियो में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, फिर बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, एंड मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड क्या पढ़ा हमने, जो 3 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम 2 प्रोटिस्टा, एंड लास्ट फंगी, और इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। अब आज का ये जो वीडियो है हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो आगे के जो भी पार्ट्स है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगी तो। ओके, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।